अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं विचेता और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। देश और दुनिया के लिए बेहद अहम और बड़ी खबर है। चीन से फैला वायरस कोरोना, इसका खतरा दुनिया के कई देशों में बढ़ गया है। चीन में कोरोना वायरस ने अब तक 41 लोगों की जान ले ली है। जानकारी के अनुसार अमेरिका में भी इस तरह का मामला सामने आया है। वहीं साउथ कोरिया में ऐसे दो मामलों की पुष्टि हुई है। सऊदी अरब, सिंगापुर, वियतनाम जैसे जगहों पर भी ऐसा देखने को मिला। यानी कोरोना वायरस का खतरा पूरी दुनिया के लोगों पर मंडरा रहा है। आपको बता दें कि चीन में अब तक 1287 लोगों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोरोना वायरस वुहान शहर से फैला है। वुहान शहर से सबसे पहले ये वायरस की शुरुआत हुई है। ये वायरस इतने तेजी से फैला है कि इस वायरस से सर्वाधिक प्रभावित वुहान, हुबई और 12 अन्य शहरों में सेना की भी सहायता ली जा रही है। चीन सरकार ने आपातकालीन उपाय के रूप में देश के 5 शहरों को बंद कर दिया है और साथ ही इन शहरों में सार्वजनिक परिवहन सेवा को निलंबित कर दिया है। वुहान शहर बंद होने से भारतीय छात्राओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वुहान में लगभग 700 भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। कोरोना वायरस को पहचानना काफी मुश्किल है क्योंकि इसके लक्षण काफी मामूली है, जिसे देख कर भी हम अनदेखा कर देते हैं। आइए आपको बताते हैं कोरोना वायरस के लक्षण क्या क्या है। सांस लेने में दिक्कत, गले और सिर में दर्द, सिर में काफी तेज दर्द होता है। इसके अलावा जुकाम, नाक से पानी निकलना, खांसी, खांसी सबसे बड़ा लक्षण है, और फिर बुखार। बाद में ये बुखार निमोनिया का रूप ले लेता है जो किडनी से जुड़ी तमाम परेशानियों को बढ़ा देता है। कोरोना वायरस का खतरा भारत पर भी मंडरा रहा है और इसको लेकर सरकार बहुत ही सतर्कता बरत रही है। इस वायरस को रोकने के लिए भारत में क्या कुछ हो रहा है, आइए बताते हैं आपको। दिल्ली समेत मुंबई और कई अन्य शहरों के एयरपोर्ट पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है। खास तौर पर चीन से आने वाले यात्रियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सरकार ने अस्पतालों को भी आइसोलेशन वार्ड तैयार रखने को कहा है। हालांकि अभी तक किसी को भी इस वायरस से संक्रमित होने की खबर नहीं आई है। आइए आपको यह भी बता देते हैं कि इस वायरस से बचने के लिए हमें क्या एहतियात बरतनी चाहिए। सबसे पहले आपको सी फूड खाने से बचना चाहिए। उसके बाद आपको मीट मार्केट जाने से बचना चाहिए। इसके अलावा कच्चा या आधा पका हुआ मांस ना खाएं। बीमारी के लक्षण वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें, ये सबसे जरूरी है। मास्क पहनकर बाहर निकले और मुंह ढककर खांसे, ये ऐसे कुछ सावधानियां हैं जिसे आप ध्यान में रखकर इस बीमारी से बच सकते हैं। तो ये थी कोरोना वायरस के बारे में जानकारी, जिसके बारे में हमने आपको बताया। इस खबर में बस इतना ही। तब तक देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।